नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अस्थायी व्यवस्था मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी मध्य प्रदेश पुलिस ने अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उनको पीटा। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, मंत्रियों का नहीं आया, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया कि ये गलत हुआ है। लेकिन अतिथि शिक्षक एक बार फिर से प्रदेश के राज्यपाल के पास पहुंचे हैं अपनी व्यथा दुर्दशा। इस पर मध्य प्रदेश और पूरे देश के मानव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस लेटर को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। बड़ा गंभीर मसला है, सरकारी स्कूलों पर 17 सालों से यह अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे, सभी से निवेदन रहेगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये ऑफिशियल अपडेट आप देख रहे हैं जो कि प्रति में श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए दिया गया है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली जिला सीधी मध्य प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर आपको बता दें, विषय है कि 2 अक्टूबर 2024 को अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज व अतिथि शिक्षकों के मांगों का निराकरण करवाए जाने के संबंध में। आप सभी को पता है, सभी अतिथि शिक्षक लगभग 90% अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल ही पर ही थे, और जिस प्रकार से पुलिस ने वहां पर बर्बरता की, लाठीचार्ज की, अभद्रता की, उन सभी के विरोध में और जो उनकी मांगे थी अतिथि शिक्षकों को, वह सब यहाँ पर बताया हुआ है। श्रीमान जी से विषय अंतर्गत लेख है कि 2 अक्टूबर 2024 को अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर व 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर की गई घोषणाओं का आदेश जारी करवाने के लिए अंबेडकर पार्क भोपाल में चल रहे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में दिवस के दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में रोष व्यक्त है। अगर अतिथि शिक्षकों के लंबित मांगों को 15 दिवस के अंदर निराकरण नहीं किया जाता है तो अतिथि शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी। अतः श्रीमान जी से बिना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों का निराकरण करवाते हुए दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही करने की कृपा करें। यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल रिसीविंग है, 3 तारीख की रिसीविंग है। यहाँ पर तारीख देख सकते हैं 3/10/2024 और अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले ये जो है ज्ञापन दिया गया है, और उम्मीद है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी बर्बरता की गई, वहाँ पर जिम्मेदार जो पुलिस कर्मचारी थे, वो हालांकि निर्देश तो सरकारी ही था, ऊपर से इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है पुलिस वालों की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बर्बरताओं पर अतिथि शिक्षकों को भी मानवाधिकार तक इस तरह की खबरें चाहे वीडियो सेंड करके या ईमेल, जीमेल, ट्विटर, इनके माध्यम से आप जो है भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, शेयर जरूर करें। निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगले अपडेट के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।